नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। चित्तौड़गढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का संकट साफ दिखाई दे रहा है। ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019 में हर घर जल योजना का शुभारंभ किया था, लेकिन फिर भी पीने के पानी की बनी हुई कमी। चंबल वाले के दो भागों में विभाजित करके निविदाएं आमंत्रित कर ली गई है और जल्दी स्वीकृत होकर के जल्दी कार्य शुरू होने की संभावना है। इंडिया में अभी गांव में ये हालत है कि हमारे गांव की आबादी लगभग 1000 के तकरीबन है, पर कंडीशन ये है कि पानी की टंकी बनी हुई है, बोरवेल लगी हुई है, लेकिन पानी घर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, जो हमारी माता बहनें हैं वो दूर दराज से दूसरों के कुएं पे जा जाके सर पे चरू रख के गड़ा रख के पानी लेके आती है। उसका ये है कि केंद्र सरकार की जो योजना है, ठीक है, गत वर्ष भी जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह जी और वित्त मंत्री सीतारामन जी द्वारा बजट जारी किया गया था, लेकिन राज्य सरकार और उनके जो कर्मचारी हैं, ठीक है, 3 बार सर्वे हो गया लेकिन इसको फलित लगाए हुए हैं, कोई काम करने वाले काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, केवल ये एक केंद्र सरकार की जो योजना है इसको घर तक पहुंचाने का ऐसा कोई राज्य सरकार बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल रखा है। नारायणपुर मिनी सचिवालय के सामने अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण और वार्ड पंच धरने पर बैठे, जिसको लेकर ग्रामीणों और वार्ड पंचों ने ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ये पाक्षिक मीटिंग है जो हर महीने करी जाती है, 2 मीटिंग है। पिछले 1 महीने से मीटिंग नहीं हो रही थी, तो कल शाम को ग्राम सचिव जी ने हम लोग सूचना डाली और हम 11 बजे 11 से पहले ही हम सभी वार्ड पंच यहाँ पे मौजूद हो गए थे। साथ साथ ग्रामवासी भी यहाँ पे जो पट्टे के लिए इंतजार कर रहे थे, जिनके संबंधित हमने पहले प्रस्ताव ले लाके पूरी 3-4 कार्रवाई पूरी कार्रवाई कम्प्लीट कर दी थी। वो सभी लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं जो पट्टा लेने के लिए आए थे, लेकिन 1 बजे तक ग्राम सेवक ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना कोई मीटिंग चालू करी, ना कुछ किया। तो हमने पूछा भी कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो आप मीटिंग, तो उन्होंने नए ग्राम सेवक का बहाना लेके हम मीटिंग नहीं किया। कहा कि नहीं, फिर हमने नए ग्राम सेवक से जब बात करी तो नया ग्राम सेवक भी कहता है कि बारिश आ रही है, मैं नहीं आ सकता। तो हम जो वार्ड पंच है, जब हम जनता से चुने हुए आए, जब हमारी वैल्यू एक ग्राम सेवक नहीं कर पा रहा तो और अधिकारी तो क्या करेंगे। धरने का एक ही लक्ष्य है, ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक 20 तारीख को और 5 तारीख को होती है, लेकिन छुट्टी होने की वजह से ये 24 तारीख को रखी गई। कल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा न्यूज़ डाली गई कि कल की मीटिंग है 11 बजे की। हम सारे वार्ड पंच यहाँ इकट्ठे हो गए 11 बजे आकर के, 1 बज गया, 1 बजे तक ना तो मीटिंग करी। हमने इनको पूछा कि भाई आप मीटिंग क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोला कि मैंने चार्ज दे दिया। ग्राम सेवक ने बोला नया ग्राम सेवक ही मीटिंग करेगा। हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। एक बजने के बाद हम बाहर आ गए। आज हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रशासन, गाँव के संघ, एक गवर्नमेंट सरकार ने एक अभियान चलाया था कि गरीबों को घर घर जा के पट्टे एक तरीके से इस कैंप में उपलब्ध कराए जाए। जो हमारे ये सभी वार्ड के मेंबर बैठे हुए हैं, इन्होंने पट्टे के लिए आवेदन करा था 16/12/2021 को। संपूर्ण कार्रवाई पूर्ण हो चुकी, लेकिन सरपंच की तानाशाही की वजह से आज तक एक भी आदमी को पट्टा जारी नहीं किया गया। आप रसीद देख सकते हो सारी चीजें, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई। कहते हैं पट्टा क्यों नहीं दे रहे साहब, पट्टा दो साहब, गैर मुमकिन नड़े में आता है। जबकि आज अदर जितने भी सरपंच, 900 वर्ष पूर्व से गांव बसा हुआ है हमारा, मुल्ला आबादी में, अजोतियों का मुल्ला पीर बाबा के पास में, आज तक पट्टा नहीं लगा। साहब पटवारी से बुला के इसकी पैमाइश करवा लो, पटवारी को भी नहीं बुलाते ना, पटवारी से वो करते, अपने चहतों को रिश्वत ले के पट्टे जारी कर रहे हैं, लेकिन इन गरीब तबके के आदमी हैं, इनको पट्टा जारी नहीं किया जा रहा, ये बड़े दुख की बात है। अजमेर के केसरगंज में पुलिस ने एप्पल कंपनी के नकली माल पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नोएडा कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान करीब 30 लाख रुपए का नकली माल जब्त किया गया। ये अजमेर सिटी में, मैं नोएडा से नीरज हूँ, जस कुमार साई कृष्ण स्टेट से। ये एप्पल के लिए हम कार्रवाई की है, ये एप्पल के नकली माल है जिसको हम कहें, ट्रेडमार्क के तहत ये कार्रवाई हुई है। और ये इनकी दुकान की हमें सूचना मिली थी, हमने पहले सैंपल परचेज करके उसके बाद हमने देखा कि यहाँ नकली सारा माल बिक रहा है, चार्जर्स, कवर्स और डाटा केबल्स, ईयरबड्स। तो उसके तहत हमने सीओ साहब से मिले, सियाग साहब से, उन्होंने हमने पुलिस टीम दी है और उसके साथ फिर हमने कार्रवाई की है और माल जब्ती किया जा रहा है। बीकानेर नहरबंदी के कारण इन दिनों एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति की जा रही है। ऐसे में इन दिनों बीकानेर में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। इस दौरान रामलाल सूरजदेवी राका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रोजाना निशुल्क पानी के टैंकरों का वितरण किया जा रहा है। ये नहरबंदी के कारण जो पानी की शॉर्टेज है, जहाँ कच्ची बस्ती है, जहाँ पानी टैल पे कम पहुँच रहा है,
वहाँ सार्वजनिक रूप से हम टैंकर भेजते हैं और वो मोहल्ले में जाके खड़ा हो जाता है, लोग बाल्टी वाल्टी भरके ले जाते हैं। और प्रशासन इसमें अभी तक कोई व्यवस्था ऐसी कर नहीं रखी है जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके। अभी हमारे 5 टैंकर चलते हैं, जो एक टैंकर एक दिन में 5 से 7 चक्कर निकालता है और 9 दिन हो गए, आज 9वां दिन है। रामलाल सूरजदेवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट, पूनम चंद जवरी देवी कच्छवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये चलेंगे, जब तक नहरबंदी है तब तक चलेंगे। हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, इससे लोगों को पूरी तरह से पानी मिल नहीं पा रहा है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है और वो भी इस तरह आता है कि लाइटें चली जाती है, तो पानी का प्रॉपर जो होता है वो नल तक आ नहीं पाता, जिससे लोग मतलब पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और पानी भी साफ नहीं आ रहा है। उससे कई तरह की बीमारियाँ हो रही है हमारे यहाँ पर, जैसे हेपेटाइटिस और टाइफाइड के हमारे यहाँ काफ़ी मरीज है जिनको जयपुर तक जाना पड़ गया है। सिरोही के अरविंद परवलिया में प्रजापति कुमकार समाज की ओर से पहली बार जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 7 जून से 11 जून तक होगा। प्रतियोगिता को लेकर जिला मुख्यालय स्थित समाज के छात्रावास में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रतियोगिताओं को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। भरतपुर में प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ACB ने की कार्रवाई, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ADEEO सुनील अग्रवाल ने एक टीचर से उसकी नौकरी से संबंधित आदेश निकालने के लिए मांगी थी रिश्वत। मौसम का बिगड़ा मिजाज, तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर जारी। तापक्रम भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, जहां जिले का तापक्रम 44 डिग्री चल रहा था, वहीं बारिश के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। जिला कलेक्टर ने रानी बाजार रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण कार्य का लिया जायजा, निर्माण के गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए दिए निर्देश। जिला कलेक्टर ने पत्थर मंडी की सड़कें विकसित करने के भी जारी किए आदेश। श्री सीमेंट व वांगड़ फैक्ट्री सूरतगढ़ के मजदूरों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। जिला कलेक्टर परिसर में की नारेबाजी, 30 मई तक मांगों का समाधान करने की मांग। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोटपुतली में श्री श्याम मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति स्थापना को लेकर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। 551 महिलाओं द्वारा निकाली गयी मंगल कलश यात्रा, मूर्तियों को कराया गया नगर भ्रमण। जयपुर अजमेर रोड स्थित भारत सरकार के ESI मॉडल हॉस्पिटल में मनोरोग विभाग द्वारा विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस पर आमजन के लिए जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश जैन ने आमजन को ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए बीमारियों के लक्षण और इलाज के बारे में बताया और इसको लेकर होने वाले भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। आज विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस के अवसर पर हमने ESI मॉडल हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं और जो उनके परिजन हैं उन सबको आज हमने सिजोफ्रेनिया क्या है, ये किस तरह की एक मानसिक बीमारी है, कैसे इसका इलाज संभव है और किस तरह से लोग इस बीमारी के बारे में नहीं समझ पाते हैं और वो अनावश्यक रूप से भूत प्रेत ओझा तांत्रिक इस तरह के उनमें पड़ जाते हैं जिससे कि मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है और स्थिति और ज़्यादा कठिन हो जाती है। इस सब को लेकर के हमने आज एक अवेयरनेस कार्यक्रम किया जिसमें हमने वीडियो एनिमेशन के जरिए आमजन को ये बताने का प्रयास किया कि स्किजोफ्रेनिया क्या बीमारी है। ये एक तरह का मानसिक रोग है, मेजर साइकेट्रिक इलनेस है, जिसमें व्यक्ति भ्रम की स्थिति में रहने लगता है, वो अपने आसपास की परिस्थितियों को तरीके से नहीं समझ पाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक शक्की भाव हो जाना, जैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाना, उसको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगना जो औरों को सुनाई नहीं देती हैं, या ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगना, या उसकी भाषा में परिवर्तन हो जाना, जब वो बोलता है तो उसकी जो भाषा वो डिसआर्टिकुलेटेड हो जाना। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश TV और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश TV।